मेरी दो पनियारी भाभी यहाँ पानी भर। भारतीय नारी या पहाड़ी नारी? पहाड़। हाय गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये है हमारे गांव की। जब मैं इंडिया गई थी 3-4 महीने पहले, मेरी मम्मी बीमार हुई थी, उस टाइम गई थी। तो जब मम्मी को हॉस्पिटल से लेके आए थे ना, उसके बाद हम गाँव के मंदिर में गए थे। दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है ना टॉप में, ये हमारा स्कूल है। इसी में मैंने पढ़ाई की है। और यहाँ से हमारा गांव 5 किलोमीटर दूर है। अभी एक्चुअली पूरा दिखा नहीं पाई क्योंकि गाड़ी में है हम लोग। हम पूरी बस बुक करवा के रखी है, तो हम जा रहे हैं अभी। पूरा 5 किलोमीटर है आगे, तो देखते हैं कितना टाइम लग। गाड़ी में तो कम ही टाइम लगता है, पर आप सोच सकते हो कि जब पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। गाइज, अभी हम अपने गांव पहुंच गए हैं, मंदिर में पहुंच गए हैं। और ये मंदिर हमारे गांव से 1 किलोमीटर पहले है, मतलब जंगल के बीच में है। यहाँ पे कोई मकान नहीं है आसपास। तो यहाँ पे अभी हमने अपने गांव के जो ढोल दमाओ वाले होते हैं ना, वो भी बुला रखे, और पंडित जी भी आ रखे हैं पूजा करवाने के लिए। क्योंकि जब भैया लोग कभी भी घर आते हैं ना, तो यहाँ पे पूजा जरूर करवाते हैं। क्योंकि इतने टाइम तक बंद रहे, मतलब गाँव के लोग देखभाल करते हैं, लेकिन वैसे बंद ही रहता है ज़्यादा टाइम। जब कोई पूजा करने आता होगा तभी। और ये मेरी दादी और मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि उनकी याद में बनाया था ये। हे पनियारी बलमिते पानी पिले दे मैं तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी दो पनियारी भाभी यहाँ पानी भरने आ रही। आज गढ़वाली स्टाइल में बर्तन धो रही है, देखो है? हम राख से धोते थे ना गांव में, ये मिट्टी से धो रही है, मिट्टी से धो रही है। अच्छा अच्छा है। तो गाइस, ये हमारे कुल देवता का मंदिर है, जो मेरे दादी जी के और मेरे पापा जी के याद में बनाया गया है। मेरे भैया लोगों ने बनवाया था, तो उसी के आज हम पूजा। हर बार जब भैया लोग घर आते हैं ना, तो यहाँ पे आते हैं दर्शन करने और पूजा करवाने के लिए। तो हर बार यहाँ पे पूजा जरूर होती है, हवन होता है। और बस अभी हम शाम को यहाँ से जाएंगे, अभी हम आगे अपने गांव भी जाएंगे और उधर से फिर आगे ऋषिकेश के लिए निकलेंगे।
भारतीय नारी है पहाड़ी नारी है? पहाड़ मेरे उत्तराखंड है, प्यारे उत्तराखंड। तो गाइस हमारे यहाँ जब कोई भी पूजा होती है ना गांव में, तो उसके बाद हम लोग नीचे बैठ के और पत्तल में खाना खाते हैं। और खाना वही जो प्रसाद हम बना के लेके गए थे, हलवा पूड़ी एंड आलू, और वही खा रहे हैं। और उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सालों के बाद जा रही हूँ ना। तो मेरी शादी भी ऋषिकेश में हुई, तो हम बहुत पहले ही गाँव छोड़ दिया था। बीच बीच में जाते हैं जब छुट्टियाँ जाते हैं, तो जब पूरी फैमिली साथ में जाती है तभी जा सकते हैं, नहीं तो वैसे अकेला जाने का मन नहीं करता, क्योंकि घर में रहता ही नहीं है, तो पूरे घर खंडर हो गए हैं। पीयूष, वो रास्ता दिखा सकते हैं मुझे जो जहाँ से हम स्कूल जाते थे? दिखाया नहीं, तेरा जंगल थाम भी नहीं सकेगा मुझे। नया कांट लग जाएंगे नहीं है यार, सड़े हुए। वो ऊपर वाला तोड़, ऊपर वाला वो जाओ, दूसरा वाला। हाँ हाँ वही तोड़। तो गाइस अभी हम अपने गांव पहुंच गए हैं, और ये तो हमारा घर नहीं है, अभी हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर थोड़ा नीचे है यहाँ से रोड से, और थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, मतलब गाड़ी हमने ऊपर रोड पे खड़ी करके, और अभी पैदल जा रहे हैं सारे लोग। तो अभी बहुत चेंज हो गया है, मतलब जब हम रहते पहले रहते थे तो उस तब अलग था काफ़ी, और अभी अलग है, क्योंकि अभी रोडें बन गई हैं। उस टाइम रोड नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी हमारे टाइम पे, तो रास्ते काफ़ी अच्छे होते थे। अभी सारा जंगल हो गया, क्योंकि सब जगह रोड रोड हो गई ना। इन्होंने बांध में रखी हुई गोरे भैंस है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए अपने घर, और ये मेरे ताऊजी और उनका मकान है पहले, और उसके बाद है हमारा। ये लोग अभी भी रहते हैं तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमारा तो बहुत पुराना हो गया है घर। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा गांव का मकान, आप लोग भी देख लीजिए कि कैसा है, पहाड़ों की लाइफ कैसे रही होगी पहले। और अब तो हमारे काफ़ी 20 साल से ऊपर हो गया, हमने छोड़ दिया था 20 साल से ये मकान बंद पड़ा हुआ है। तो उस टाइम हम लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा मकान है, लेकिन अब तो इतना ऐसा हो गया है बहुत पुराना, क्योंकि हमारा बचपन तो यहीं निकला है ना, पूरा बचपन हाई स्कूल तक मैं यहीं रही, और उसके बाद मैं ऋषिकेश गई, और मेरे मम्मी पापा तो और देर तक रहे यहाँ पे, मतलब और 2-4 साल और रहे। तो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थी, छोटे छोटे दरवाजे, अब ऐसा लगता है इतने छोटे घर में कैसे रहते थे हम, लेकिन उस टाइम हमें ऐसा लगता कि बहुत बड़ा मकान है हमारा जैसे। तो यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और क्योंकि ऐसा भी बहुत सालों के बाद हुआ है कि हम सारे भाई बहन इकट्ठे आए हैं गांव में, क्योंकि बहुत कम होता है ना, सारे बाहर रहते तो बहुत मुश्किल होता है कि एक ही टाइम सब घर आए। इस बार मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से सारे लोग घर आ रखे हैं। तो ये जो रस्सी में बांध रखी है ना घंटी जैसे, तो वो जानवरों को भगाने के लिए मेरे ताऊ जी लोगों ने बांध रखी है, क्योंकि उनके अभी भी मक्की वगैरह है, खेती यहाँ पर खेती करते हैं वो लोग, और उनके गाय भैंस भी हैं, तो
और लोग अभी करते हैं, पर हमारा घर तो पूरा खंडर जैसे हो गया है। तो यादें ही रह गई ये तो, अब तो बस इस घर रहने लायक नहीं है मतलब। Gopi Taro, Kale Ju Katin Dialo.